हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में एक बार फिर से बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों ने पिछले लेक्चर में IUPAC विधि द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे वो सीख लिए थे, और आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के नाम। बच्चों जैसे बच्चों हमने यहाँ पर लिखा, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक हमने सूत्र लिखवाया था, तो आपके क्लास 10 के हिसाब से केवल एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बच्चों खुली श्रृंखला वाले यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक के नाम कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले क्या लिखे बच्चों, पूर्णलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। तो ये बच्चों आपका फार्मूला हम याद रखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आओ हम कुछ यौगिकों के नाम लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा आपका CH3 CH2 CH2 OH। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। हमेशा हम जो OH आपका सीरीज में एकदम सीधे जुड़ा होता है बच्चों, उसको हम नीचे जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों आप कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, और ये क्या बच्चों आपका क्रियात्मक समूह। अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो श्रृंखला का अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा, 1 2 और 3। तो कुछ बचा बच्चों, आपका सब कुछ आ गया, कोई भी हाइड्रोकार्बन बचा नहीं, बचा कोई क्रियात्मक समूह बचा नहीं बचा। तो ये आपका क्या है, द्वितीयक अनुलग्न है, और ये क्या है बच्चों आपको मूल शब्द है, और ये क्या जो एकल बंध कार्बन कार्बन के बीच लगा है, ये क्या है बच्चों आपका प्राथमिक अनुलग्न है। तो यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या है, 3 है बच्चों, 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप, और एकल बंध के लिए क्या लगा बच्चों एन, और OH के लिए क्या लगा बच्चों आल। तो इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपका PROPANOL। तो क्या पढ़ मिलेगा बच्चों, प्रोपेना, और आल की बजाय बच्चों आप 1 आल भी लिख सकते हैं। आल की बजाय बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 आल भी लिख सकते हैं, तब बच्चों आपका नाम क्या पहुंच जाएगा, 1 PROPANOL 1 प्रोपेना। तो 1 प्रोपेनाल बच्चों या प्रोपेनाल एक ही है। जैसे कि आप हमने लिख लिया CH3 CH2 COOH। कुछ हम बच्चों आपका नाम लिख देते हैं कार्बनिक यौगिकों के, और उसके नाम फिर हम लिखते हैं CH3 CO। चल दे पिक्चर, देखिए 1 2 3। तो कितने कार्बन बच्चों, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, प्रोप होता है। तो प्रोप और प्राथमिक अनुलग्न क्या है बच्चों, एन, और COOH के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो जोड़ दीजिए बच्चों, तो PROPANOIC ACIDID प्रोपेनोइक एसिड बच्चों इसका नाम निकला, या तो 1 प्रोपेनोइक एसिड नाम निकलेगा। तो ये बच्चों आपका ये नाम हुआ, और इसका नाम लिखे बच्चों कितने कार्बन है, 1 2, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, एथ, और एकल बंध के लिए एन, और COOH के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, 1 ओइक एसिड। इसे जोड़िए बच्चों, ETH ANOIC ethanoic acid, और 1 है बच्चों तो स्टार्टिंग 1 लिख दिए, तो 1 ethanoic acid इसका नाम पड़ा। और यदि हम बात करें इसका नाम क्या होगा, CH3 CO CH3, 1 2 3, और 3 कार्बन नाम बच्चों क्या होता है, प्रूफ होता है। और यदि यहाँ पर देखें बच्चों, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बना रखा, तो मतलब आगे एक बंध ये बनाए, आगे एक बंध ये बनाया है,
तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध तो लगाएंगे बच्चों एन, और सीओ के लिए क्या लगाएंगे बच्चों ओन। अब जोड़िए आपका क्या मिलेगा, यहाँ बच्चों टू ओन लिख दीजिए या आप क्या लिखिए ओन लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा टू पी आर ओ पी ए एन ओ एन ए, तो टू प्रोपेनोन, और टू नहीं लिखेंगे फिर भी सही बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं पी आर ओ पी ए एन ओ एन ए, तो प्रोपेनोन या टू प्रोपेनोन लिखे। तो ये भी बच्चों सही है और ये भी बच्चों आपका सही है। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने तीन कंपाउंड आपका लिखा है एक दो और तीन, और तीनों के हमें बच्चों आई पी एस सी नाम लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे और सीखें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें बच्चों, तो आपको हमने बताया कि आई पी एस सी में जो हैलोजन होते हैं बच्चों उन्हें क्या मान लिया गया है, पूर्वलग्न मान लिया गया। तो ये सब क्या है बच्चों आपके पूर्वलग्न है, तो पूर्वलग्न तो क्लियर हो गया बच्चों पूर्वलग्न क्या है। अब हम श्रृंखला का अंकन कैसे करेंगे, तो श्रृंखला का अंकन करते समय इतना बात ध्यान रखेंगे कि आपका पूर्वलग्न नज़दीक पड़े। तो इधर से चलेंगे एक दो तीन और चार, तो मतलब ये अंकन बच्चों क्या हो गया गलत, क्योंकि इधर से एक दो पर ही पड़ा है तीन और चार। तो चार कार्बन नाम क्या होगा बच्चों, चार कार्बन होता बच्चों ब्यूट, और कार्बन के बीच एकल बंध तो एन, और बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है फ्लोरीन है ना, और फ्लोरीन जब पूर्वलग्न के रूप में लगता है तो क्या लगाते हैं फ्लोरो, और टू पर है तो क्या लगाएंगे अब टू फ्लोरो, टू फ्लोरो प्लस ब्यूट प्लस एन तो क्या निकला टू फ्लोरो ब्यूटेन। तो ये नाम हो गया आयुपैक नेम बच्चों, टू फ्लोरो ब्यूटेन हमारा क्या निकल गया आयुपैक नेम निकल गया। जैसे बच्चों यहाँ पर बात करें तो एक दो तीन और चार, और चार कार्बन नाम क्या होता है बच्चों ब्यूट होता है। सबसे पहले बच्चों पूर्वलग्न क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या लाते हैं क्लोरो सी एच येलो आर ओ, तो वन पे तो वन क्लोरो प्लस कितने कार्बन बच्चों चार लिखेंगे ब्यूट, और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों एन। तो जोड़िए बच्चों तो क्या निकलेगा वन क्लोरो ब्यूटेन। तो ये रहा क्या बच्चों इसका आयुपैक नेम रहा। अगर बच्चों हम इसका आईपीएसी नेम लिखे तो वन टू थ्री और फोर, तो दो पर ही बच्चों इसका नाम क्या पड़ेगा टू क्लोरो, और इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों टू सी एच येलो आर ओ टू क्लोरो, तो इसका भी नाम टू क्लोरो और इसका नाम भी क्या पड़ा बच्चों टू क्लोरो पड़ा। तो आइए देखें हम कैसे करेंगे इसका नाम, तो टू क्लोरो टू क्लोरो दो बार है तो क्या लिखे टू कामा टू डाई क्लोरो, टू कामा टू डाई क्लोरो, और चार कार्बन का नाम ब्यूट होता है बच्चों, और एन जोड़ेंगे तो क्या हो गया ब्यूटेन, तो हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो टू कामा टू डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका ये आयुपैक नाम लिखा बच्चों, इसका ये आईपीएसी नाम निकला। तो यहाँ तक कोई हमें ही रहा नहीं हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने एक श्रृंखला लगाया वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो कितने कार्बन है बच्चों सिक्स कार्बन है, और इसका नाम क्या बच्चों टू मेथिल, और इसका नाम क्या बच्चों थ्री मेथिल, तो टू मेथिल है बच्चों, इसका नाम क्या है थ्री मेथिल। तो इसका आयुपैक नाम लिखने हुआ तुम कैसे लिखेंगे टू एम ई टी एच वाई टू मेथिल, और इसका क्या नाम है बच्चों थ्री एम ई टी एच वाई एल थ्री मेथिल। तो टू मेथिल थ्री मेथिल यहाँ पर मेथिल यहाँ पर भी और मेथिल यहाँ पर भी, तो क्या लिखें बच्चों टू कामा थ्री दो समान चीजें तो इसके लिए क्या लें डाई टू कामा थ्री डाई मेथिल। ये तो आगे पूर्वलग्न का नाम हो गया बच्चों, और मूल शब्द कितने छह कार्बन तो हेक्स, और एकल बंधे बच्चों क्या लगेगा हेक्स प्लस एन, और इसे जोड़ लीजिए बच्चों तो टू कामा थ्री डाई मेथिल, और क्या बच्चों आपका हेक्स। तो ये क्या निकला बच्चों आपका आईपीएसी नाम निकला टू कामा थ्री डाई मेथिल हेक्सेन। तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है बच्चों, इसे आप ध्यान रखिएगा,
और एक जैसे हमने ये लिखा सी एस थ्री सी एस डबल वन सी एस टू, तो 1 2 3 और थ्री कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, प्रोप। और यहाँ बच्चों देखिए डबल एकल बंद भी आ गया और क्या आ गया, डबल बंद भी आ गया। जब एकल बंद और डबल बंद रहे, एकल बंद को कोई वरीयता नहीं देती कि और डबल बंद का नाम लिखते हैं, तो एक परत बच्चों 1 in, तो जोड़िए तो क्या निकला 1 PROPENE, तो क्या निकला बच्चों आपका 1 propene निकला। अगर एक एग्जांपल की और बात करें CH3 और CH ट्रिपल बंद CH, अगर बच्चों इसका नाम बात करें कि इसका आईपीसी नाम क्या हो तो 1 2 और 3, और थ्री कार्बन नाम बच्चों क्या होता है प्रोप होता है, तो प्रोप लिखा हमने। और एकल बंद है और त्रिवल बंद, तो एकल बंद को इग्नोर कर दिए, तो इसका क्या होता है त्रिवल बंद के लिए बच्चों आयन, तो 1 पे है तो 1 आयन लिख सकते हैं, तो 1 PROPENE, तो क्या निकला बच्चों आपका 1 propyne। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। तो यदि बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में बच्चों इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट्स हो, कोई आपका विद्या से या आपके बुक से कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो आयु पैक का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारा जो नंबर दिया गया है बच्चों उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।